जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन को लेकर। काफ़ी लोग ये मान रहे थे कि बाबर आजम विराट कोहली बन सकते हैं और बाबर आजम जो है ना विराट कोहली की तरह है, लेकिन भाई मैं अभी यही कहूँगा कि बाबर आजम विराट कोहली नहीं बन सकते, क्योंकि विराट कोहली की गेम एक्सपीरियंस बाबर आजम की गेम एक्सपीरियंस विराट कोहली से बहुत कम है। और अभी तक भाई साहब बाबर आजम को जो है ना 7 साल और क्रिकेट खेलनी होगी, और 7 साल क्रिकेट खेलने एक बंदा जो कि 7 साल ज़्यादा क्रिकेट खेल चुका है, और कंपैरिजन अभी करना भाई साहब बहुत ही मुश्किल है कि बाबर आजम और विराट कोहली में कंपैरिजन किया जाए। अगर बात की जाए कि विराट कोहली 5000+ जो है ना वो रन बना चुके हैं और ओडीआई में, और बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम की अभी 3000+ हैं। इसका रीज़न ये है कि विराट कोहली जो है ना भाई साहब वो 7 साल ज़्यादा क्रिकेट जो है ना बाबर आजम से खेली हुई है उन्हें। और इन द एंड आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और यूनुस खान, ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कंपैरिजन के दौरान जो मीडिया पर बातें हो रही थी उन्होंने भी यही कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन बनता ही नहीं। और अभी आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में बाबर आजम क्रिकेट की दुनिया में अच्छी तरह से खेलते हुए विराट कोहली के भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि बाबर आजम अच्छे प्लेयर नहीं, बाबर आजम बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और बाबर आजम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और वो पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे हैं, और उनका साथ रिजवान उनका दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में उनका साथ देते हुए बहुत अच्छे नज़र आते हैं। बाकी ये है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन फ़िलहाल अभी नहीं बनता। 7 साल क्रिकेट और खेलें, और 7 साल से भी ज़्यादा क्रिकेट अगर खेलें तो विराट कोहली का रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हैं। विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, और लास्ट इवेंट वो अपना मे भी पाकिस्तान खेलते आएंगे जो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेलेंगे, और इसके बाद वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। और शाहिद अफरीदी का ये कहना था, ये एक ऐसा लड़का था जिसका डिसिप्लिन नहीं था होता, क्योंकि शाहिद अफरीदी और विराट कोहली के मैच इकट्ठे उन्होंने खेले हुए हैं, और शाहिद अफरीदी का खुद ये कहना था कि जो विराट कोहली हैं ये एक ऐसा लड़का था जिसमें डिसिप्लिन नहीं था, जिसकी जो है ना फिज़िकल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन इस बंदे ने ख़ुद को प्रूव किया। और उनका मज़ीद ये कहना था, अगर किसी भी प्लेयर का कोई गोल सेट हो तो वो 24 घंटे उसी पर काम करता है, तो विराट कोहली ने 24 घंटे अपनी गेम प्ले पर और अपनी बॉडी पर काम किया, जिसकी वजह से विराट कोहली आज दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार किया जाता है। आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ये लाजमी बताइएगा क्या विराट कोहली की तरह बाबर आजम भी अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। हालांकि वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कंपैरिजन की बात की जाए तो क्या बाबर आजम विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को आने वाले क्रिकेट के टाइम में जो है ना वो ब्रेक कर सकते हैं या फिर नहीं, यस और नो लाजमी लिखिएगा।